मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र ग्रंथ बाइबल ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है। पवित्र ग्रंथ बाइबल ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है। अपने भक्तों के प्रति ईश्वर की प्रतिज्ञाएं, विश्वासियों के लिए ईश्वर की प्रतिज्ञाएं, सारे संसार के सारे मानव जाति के लिए ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है। और जो उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं, उनको सुनते हैं, उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में वे प्रतिज्ञाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसा कि इब्राहिम के जीवन में हम देखते हैं, ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा, और इब्राहिम ने उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। नतीजा क्या हुआ? इब्राहिम को उस 100 साल की उम्र में एक संतान मिली, इसहाक, क्योंकि इब्राहिम ने ईश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। तो पवित्र ग्रंथ बाइबल हमारे लिए ईश्वर की ओर से महान प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है। आज हम यरमियाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 12 से 14 तक के वचनों को सुनेंगे। वहां पर प्रभु हमें एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा देते हैं। प्रभु कहते हैं, वाक्य 12 से मैं पढ़ूंगा, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, यह प्रभु की वाणी है, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। एक जबरदस्त प्रतिज्ञा है, ध्यान से सुनिए, हृदय में ग्रहण कीजिए। प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, यह प्रभु की वाणी है, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे, और तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, तुम मुझे पा जाओगे। देखिए, यौहन के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 35 से हम पढ़ते हैं, यौहन बपतिस्ता एक स्थान पर अपने दो शिष्यों के साथ खड़े थे, और प्रभु येसु वहां से गुजरते हैं। यौहन बपतिस्ता ने येसु को देखा और इशारा करके कहा कि देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। दोनों शिष्य यौहन बपतिस्ता को छोड़कर येसु के पीछे हो लेते हैं, और कुछ देर के बाद येसु मुड़कर देखते हैं, और येसु ने दो शिष्यों को, यौहन के शिष्यों को देखा और पूछा, हिंदी में अनुवाद है, क्या चाहते हो? अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यानी तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 7 में प्रभु येसु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु कहते हैं, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि हम क्या ढूंढें। शिष्यों ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप कहां रहते हैं, हम यही ढूंढते हैं कि आप कहां रहते हैं, और वे येसु के साथ चलेगी, येसु के साथ रहे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे आश्रमों में, रिट्रीट सेंटर्स में, साधना केंद्रों में, कन्वेंशंस में हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वे क्या ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ कर आते हैं। नौकरी, बच्चा, वर वधु, पैसा, चंगाई। प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पा जाओगे, जब तुम मुझे ढूंढोगे तुम मुझे पा जाओगे। येसु को ढूंढने वाले येसु को पा जाएंगे, और आप जानते हैं, प्रभु मिला तो सब मिला, प्रभु मिला तो सब मिला। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 33 में प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी।
तुम सबसे पहले ईश्वर को ढूंढो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु कहते हैं जब तुम मुझे ढूंढोगे पा जाओगे, मुझे ढूंढो। यीशु मिला तो सब मिला, प्रभु मिला तो सब मिला। शायद मैंने आपको बताया है, एक सुंदर साक्ष्य है। एक बार एक बहुत गरीब औरत बाइबल कन्वेंशन में गई थी, बाइबल अधिवेशन में गई थी, वचन सुनने के लिए गई थी, और वहाँ पर प्रवचन देने वाले बार बार बोलते जा रहे थे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3:20 को लेकर कि प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा तो मैं उसके यहाँ आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। बार बार इस वचन पर व्याख्या दी जा रही थी और उस गरीब नारी के अंदर एक बहुत बड़ी प्यास आई। क्या पास आई, क्या प्यास आई? उसने कहा, प्रभु काश आप मेरे घर पे आ जाते, काश आप मेरे घर पे आ जाते। वो गरीब औरत कैसी थी, उसका पति शराबी था, उसको उसके दो बेटे घर छोड़कर भाग गए थे, बहुत दरिद्र अवस्था में जी रही थी। उसने प्रभु से कहा कि प्रभु काश आप मेरे घर पे आ जाते। एक दिन की बात है, वो अपने घर पे कुछ काम कर रही थी, दरवाज़ा बंद था, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी और वो नारी गई, दरवाज़ा खोली, उसने किसी को नहीं देखा, फिर बंद करके आई, काम जारी रखी, फिर खटखटाने की आवाज़ आई, फिर गई, फिर खोली, फिर उसको कोई नहीं दिखाई दिया। कुछ देर के बाद दरवाज़ा बंद करके अपने घर के अंदर काम कर रही थी, अचानक उसने देखा कि उसके सामने प्रभु आकर खड़े हैं, उसके सामने प्रभु आकर खड़े हैं। और प्रभु ने पूछा कि बेटा तुमने मुझे बुलाया? उसने कहा हाँ प्रभु। प्रभु ने पूछा कि क्या चाहिए तुमको, तुम क्या चाहती हो? उस नारी ने कहा कि प्रभु मुझे आप चाहिए, आई वॉन्ट यू, मुझे आप चाहिए। कुछ देर के बाद प्रभु गायब हो गए। उस नारी के परिवार में परिस्थितियां बदलने लगी, उस नारी के जीवन में परिस्थितियां बदलने लगी। उसका पति शराब पीने छोड़ देता है, उसका पति शराब पीना छोड़ देता है, उसके दोनों बेटे जो घर से भाग गए थे वापस आ जाते हैं, परिवार में शांति आती है, यीशु का निवास होता है। प्रभु मिले तो सब मिला। मैं हजारों लोगों के जीवनों को देखता हूं जिन्होंने प्रभु के पास आने के बाद यह अनुभव किया है। उनको प्रभु मिल गए तो उनके जीवन में तरक्की पर तरक्की, आशीष पर आशीष, कृपा पर कृपा देखने को मिलती है। तो प्रभु कहते हैं जब यदि तुम मुझे ढूंढोगे पा जाओगे, मुझे ढूंढोगे पा जाओगे। आगे प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कैसे ढूंढना है प्रभु को? संपूर्ण हृदय से ढूंढना है। यह संपूर्ण हृदय का अर्थ क्या हो सकता है? सबसे पहले पूरी इच्छा के साथ प्रभु को, पूरी इच्छा के साथ ढूंढना। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में एक नारी के बारे में पढ़ने को मिलता है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक धनी इंसान के यहां भोज पर चले गए थे। उस धनी इंसान का नाम था सिमियोन। प्रभु यीशु सिमियोन के यहां भोजन पर बैठे हुए थे और वहाँ पर एक नारी आ जाती है जो शहर की सबसे बदनाम नारी थी। बदनाम नारी थी, यीशु के करीब आ जाती है, यीशु के पैरों के पास खड़ी हो जाती है, इतने आंसू बहाती है कि यीशु के दोनों चरण आंसुओं से धुल जाते हैं और वो अपने केशों से, बालों से उसको पोंछती है। सिमियोन अपने हृदय में सोचता है कि ये मनुष्य ईश्वर के यहाँ से आया होता तो ये जानता कि कौन नारी इसको स्पर्श कर रही है। यानी वो नारी एक ऐसी बदनाम नारी थी जिसको ऐसे सभाओं में जाने का इजाजत नहीं था, कोई उम्मीद नहीं रखता था।
वो नारी पीड़ा में थी, अपने पाप में डूब रही थी, उसके हृदय में प्रभु के प्रति इच्छा आई। शायद उसने सुना होगा किसी से कि यीशु दीनों पापियों दुखियों का सहारा है, और वो यीशु को ढूंढती है। यीशु को ढूंढती है, उसे पता चलता है कि यीशु सिमियोन के यहाँ भोजन पर बैठे हुए हैं। वह इस बात का ख्याल नहीं करती है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। वो चली आती है, पूरी इच्छा के साथ चली आती है, यीशु के चरणों पर चली आती है और आंसू बहाकर अपने पापों के लिए माफी मांगती है। आपको मालूम क्या हुआ? वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आगे प्रभु ने उससे कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वो नारी वहां से स्वतंत्र होकर चली जाती है, उसका भविष्य पलट जाता है। पाप में जीने वाली वो नारी, उसका भविष्य पलट जाता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसके जीवन का पथ बदल जाता है। तो प्रभु कहते हैं यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे, संपूर्ण हृदय से ढूंढने का पहला अर्थ है पूरी इच्छा के साथ प्रभु को ढूंढना, दूसरा है लगन के साथ प्रभु को ढूंढना। बहुत सारे लोग गिरजाघरों में जाते हैं, प्रार्थना भवनों में जाते हैं, बाइबल कन्वेंशंस में जाते हैं, रिट्रीट सेंटर्स में जाते हैं, लेकिन लगन के साथ नहीं जाते हैं। जाते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। लगन के साथ यीशु को ढूंढना, प्रभु को ढूंढना। बाइबल में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण हमें मिलते हैं। एक जबरदस्त उदाहरण जकेउस का उदाहरण है, मैं उसका विवरण करना नहीं चाहता हूँ। जकेउस के बारे में वचन में लिखा हुआ है कि जकेउस एक धनी इंसान था, चीफ टैक्स कलेक्टर था, यानी चुंगी लेने वालों में प्रमुख था, नाटा था, यीशु को देखना चाहता था क्योंकि वो पीड़ा में थे, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर कोई खालीपन था, कोई अशांति थी और वो यीशु को देखना चाहता था। वचन में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है कि जकेउस यीशु को देखना चाहता था लेकिन वो देख नहीं पाया क्योंकि वो नाटा था और प्रभु के चारों ओर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लेकिन जकेउस निरुत्साहित नहीं होता है, इन्हें कहता है कि मैं देख नहीं पाऊंगा, क्या करूंगा, अब छोड़िए, अगली बार देखा जाएगा। बिल्कुल नहीं, उसके अंदर लगन था। वो दौड़ता है, जिस मार्ग से यीशु जाने वाले थे उस मार्ग पर आगे दौड़ता है और पेड़ की डाली पर बैठ जाता है इस इंतजार में कि यीशु मेरे यहाँ कब आएगा। और यीशु आते हैं, चमत्कार आप देखते हैं। जकेउस के उस खोज के उस लगन का फल जकेउस को मिल जाता है। प्रभु यीशु एक मेहमान के रूप में उसके घर जाते हैं और उसके घर पर मुक्ति आ जाती है, उद्धार आ जाता है। प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाऊंगा। संपूर्ण हृदय से ढूंढने का मतलब क्या है? आगे लक्ष्य बनाकर ढूंढना, एकाग्र होकर ढूंढना, यीशु को या प्रभु को लक्ष्य बनाकर ढूंढना। हमें बाइबल में सुसमाचार में यौहन के सुसमाचार के अध्याय 20 में पढ़ने को मिलता है, प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद उनकी लाश कब्र में रखी गई। सुसमाचार में बताते हैं कि कुछ नारियों ने यह देखा कि उनकी लाश कहाँ रखी गई है, और उनमें से एक थी मरियम मगदलीना। मरियम मगदलीना के बारे में सुसमाचार में बताया जाता है कि प्रभु ने उसके अंदर से 7 अवधूतों को निकाल दिया और उसको स्वतंत्र किया था। मरियम मगदलीना कुछ नारियों के साथ कब्र के पास जाती है इत्र लगाने के लिए, लेकिन वहाँ पर यीशु की लाश देखने को नहीं मिलती है, कब्र खाली थी। और सारी नारियाँ वापस जाती हैं, मरियम मगदलीना यीशु के शिष्यों के पास जाकर बताती है। यीशु के शिष्यों में से पेत्रुस और यौहन दौड़ते हैं, कब्र के पास आते हैं, उन्होंने भी देखा कि कब्र खाली है और वे भी वापस जाते हैं, लेकिन मरियम मगदलीना उस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो कब्र को छोड़ने को तैयार नहीं थी, वह वहाँ पर खड़ी रही और उसने 2 स्वर्गदूतों को देखा। स्वर्गदूतों ने पूछा कि नारी आप क्यों रो रही हैं, भद्रे आप क्यों रो रही हैं। उसने कहा कि वे लोग मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं, मैंने जानती कि कहाँ रखे हैं। मरियम की जिंदगी बदल गई थी यीशु के पास आने से, और अब यीशु की अनुपस्थिति खल रही थी और इसीलिए वो यीशु को ढूंढ रही थी। बाद में यीशु स्वयं दर्शन देते हैं, पुनर्जीवित यीशु दर्शन देते हैं और कहते हैं भद्रे नारी तुम क्यों किसे ढूंढ रही हो। उसने सोचा कि यीशु एक माली है और कहा कि अगर आपने उसकी लाश को लिया है तो बताइए कहाँ रखें, मैं उसे ले लूँगी।
देखिए क्या लक्ष्य है। अगर आप उस लाश को ले गए तो मुझे बताइए कहां रखे हैं, मैं उसको ले लूंगी। एक दृढ़ निश्चय, एक पक्का लक्ष्य कि मुझे प्रभु चाहिए, संपूर्ण हृदय से प्रभु को ढूंढना। तो संपूर्ण हृदय से प्रभु को ढूंढने का मतलब है प्रभु को लक्ष्य बनाकर ढूंढना, प्रभु को एकमात्र लक्ष्य बनाकर ढूंढना। ऐसे लोगों को प्रभु मिल जाते हैं। संपूर्ण हृदय से प्रभु को ढूंढने का मतलब है पूरे विश्वास के साथ प्रभु को ढूंढना, पूरे विश्वास और भरोसे के साथ संपूर्ण हृदय से ढूंढना। सुसमाचार में बहुत सारे उदाहरण हमें मिलेंगे। याकूब के पत्र की अध्याय एक उसके वाक्य सात में याकूब कहते हैं, संदेह करने वाले समुद्र के लहरों के सदृश हैं। संदेह नहीं करना चाहिए, विश्वास के साथ ढूंढना चाहिए। संदेह करने वाले समुद्र की लहरों की तरह है जो हवा में इधर उधर उछाली जाती हैं। ऐसे लोग ये ना समझें कि उन्हें ईश्वर से कुछ मिलेगा। संदेह करने वालों को कोई उपलब्धि नहीं होगी, ईश्वर से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि विश्वास के साथ प्रभु को ढूंढना। तो प्रभु कहते हैं यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा, मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। तुम्हारा जो दुखमय भविष्य आज, निराशामय भविष्य है, खाली भविष्य है, शून्य भविष्य है, जिसके बारे में तुम दुखी रहते हो, पीड़ित रहते हो, प्रभु कहते हैं मैं आकर उस भविष्य को पलट दूंगा। कई साल पहले की बात है, 95 में मैं अपनी टीम के साथ, दल के साथ एक जगह पर सत्संग चलाने गया था। शाम शाम को खुले मैदान में सत्संग हुआ करता था, लेकिन दिन के समय जनता चाहती थी कि हम लोग उनके यहाँ जाएं, तो दिन के समय हम लोग दो दो करके कुछ गाँव में जाते थे। मैं और मेरे साथ एक बहन थी, प्रार्थना वाली थी, हम दोनों मिलकर एक गांव गए थे। वहाँ पे एक छोटा सा गिरजाघर था और वहाँ पर प्रार्थना सभा चल रही थी। स्तुति का समय आया, आराधना का समय आया। मैंने लोगों से कहा कि सभी लोग खड़े हो जाइए। छोटा सा गिरजाघर था, पूरा गिरजाघर खचाखच भरा हुआ था। सब लोग खड़े हो गए, स्तुति कर रहे थे। मैंने देखा बीच में एक जवान लड़की पड़ी हुई है। मैंने लोगों से कहा कि उसको भी खड़ा करने की कोशिश कीजिए। उसकी माँ ने कहा कि वो खड़ी नहीं हो सकती है, कुछ महीनों से उसके दोनों पाँव सूख गए हैं, वो खड़ी नहीं हो सकती, चल फिर नहीं सकती है। वो पड़ी थी, उसकी माँ के आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने देखा उस लड़की की मंगनी हो चुकी थी, लेकिन शादी अब टल गई क्योंकि उसके दोनों पाँव सूख गए। हम लोगों ने बड़े भक्ति के साथ, विश्वास के साथ उसके लिए प्रार्थना की। अगले दिन फिर उसी गांव में हम लोग गए हुए थे और एक घर गए। वहां पर हमने देखा कि एक लड़की हमारे लिए पानी लेकर आ रही थी पीने के लिए। मैंने मेरे साथ जो बहन थी उस दीदी से कहा कि दीदी वो लड़की तो नहीं है जो पड़ी हुई थी कल? उसकी माँ ने हमारी बात को सुन लिया और उसने आकर कहा कि स्वामी जी वही लड़की है, लेकिन प्रभु ने उसको चंगा किया। जिसके दोनों पांव सूख गए थे प्रभु ने उसको चंगा किया, हाई हील का चप्पल पहनकर घूम रही है। और मैंने कहा कि बेटा आज शाम को तुम्हें सत्संग में आना है, वहां पर खुलेआम मंच पर चल के दिखाना है कि कैसे प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया है। प्रभु कहते हैं यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। यौहन के सुसमाचार की अध्याय 18 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु को कैदी बनाने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए सिपाही लोग आए तो प्रभु ने उनसे पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा कि यीशु नाजरी को। दूसरी बार फिर प्रभु ने पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो? तो उन्होंने कहा कि यीशु नाजरी को। तो प्रभु ने क्या कहा? एक बहुत सुंदर बात कही वहां पे। प्रभु ने कहा कि यदि तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो इन्हें जाने दो, यानी इनके शिष्यों को जाने दो। ये एक आध्यात्मिक बात है। प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। संपूर्ण हृदय से ढूंढने का मतलब यह है यदि तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो इन्हें जाने दो। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे अनावश्यक लगाव जो प्रभु को ढूंढने में हमारे लिए बाधा बनती है, उसको निकालने को प्रभु कहते हैं
सच बताओ क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन सब को जाने दो, तब मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। एक जबरदस्त प्रतिज्ञा है प्रभु की, मैं तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा, मैं तुम्हारे निराशामय भविष्य को आशामय भविष्य बनाऊंगा, मैं तुम्हारे दुखमय भविष्य को सुखमय भविष्य बना दूंगा, मैं तुम्हारे भविष्य को बदल दूंगा। लेकिन उसके लिए प्रभु कहते हैं तुम्हें संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढना है। मुझे कई वर्षों से, करीब 30 साल से मैं आध्यात्मिक, 30-35 साल से आध्यात्मिक सेवा में लगा हूं, हजारों या लाखों लोगों से मिलने का अवसर मिला है, और मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग दुखी और पीड़ित और परेशान हैं, कई परिवार टूटे फूटे पड़े हैं, लेकिन वे यीशु को ढूंढने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी अजीब बात है, परेशान एक तरफ, पीड़ित हैं, दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं, लेकिन प्रभु को ढूंढने के लिए तैयार नहीं है। हमारे आश्रम में भी दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन वे मुझे ढूंढ के आते हैं, प्रभु को नहीं ढूंढते। हम बोलते हैं प्रभु के पास जाके बैठो, 2 मिनट बैठने के बाद बाहर आ जाएंगे, स्वामी जी से मिलना है, स्वामी जी से मिलना है। बड़ी अजीब परिस्थिति है, विडंबना है, लोग परेशानी में हैं, लेकिन वे प्रभु को ढूंढने को तैयार नहीं है, संपूर्ण हृदय से प्रभु को ढूंढने को तैयार नहीं। एक बार एक जवान लड़का आया था, विश्वासी, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी। मैंने कहा ये तुझे क्या हो गया है, तू साधु बन गया है? 27-28 साल का लड़का। उसने कहा कि फ्रस्ट्रेशन, यानी निराशा। मैंने कहा विश्वासी और निराशा एक साथ नहीं जाते, एक विश्वासी कभी निराश हो ही नहीं सकता है। और मैंने उससे कहा कि तुम ये काम कर, हमारे आश्रम में कृपा धारा चलती है कार्यक्रम, और ये लाइव प्रोग्राम है, दर्शन भवन में कई लोग आके बैठते हैं उस समय प्रार्थना के लिए, तुम भी आके बैठो। लेकिन मैंने कहा नियमित रूप से आना है, रोज आना होगा तुमको। सच बता रहा हूं, आज तक मैंने उसको देखा नहीं वहां पर, और आज भी वो परेशान है, बेचैन है, हैरान है, नौकरी ढूंढ रहा है, काम धंधा ढूंढ रहा है, लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो बड़े दुख की बात है, आज लोग परेशानी में हैं, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे भविष्य को पलटने को तैयार हूं, मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढ, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। हमारे अंदर प्रभु के प्रति एक प्यास होनी चाहिए, जैसे स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 42 में, बहुत सुंदर स्तोत्र है, स्तोत्र 42। स्तोत्रकार कहता है जिस तरह हिरणी जल धारा के लिए तरसती है, उसी तरह मैं तेरे लिए प्यासा हूं। जिस तरह हिरणी जल धारा के लिए तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। स्तोत्र 63 में लिखा गया है, ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ही ढूंढते रहता हूं। जल के लिए सूखी संतप्त फटी जमीन की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूं। हमारे अंदर एक प्यास होनी चाहिए जीवित प्रभु से मिलने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु का वचन है, तुम मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। कई भाई बहन आधे अधूरे मन से प्रार्थना में जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, धर्म क्रिया करते हैं। बंदगी जी, संपूर्ण हृदय से प्रभु को ढूंढिए, एक निर्णय लीजिए, निश्चित कीजिए, जिस तरह मरियम मद्दलेना कहा कि आपने जहां भी उसकी लाश रखी है मैं उसे उठा लाऊंगी, मुझे प्रभु चाहिए, आई वॉन्ट द लॉर्ड। एक दृढ़ निश्चय के साथ प्रभु को ढूंढिए, यीशु आपके जीवन में आएंगे, जिस तरह उस गरीब नारी के जीवन में आए थे और उसके परिवार की परिस्थिति को बदल देते, उसी तरह आपके जीवन में आएंगे, आपके परिवार के जीवन में आएंगे, आपकी परिस्थिति को बदल देंगे, आपके भविष्य को पलट देंगे। संपूर्ण हृदय से प्रभु को ढूंढिए, आई रिपीट, मैं दोहराता हूं, संपूर्ण हृदय से प्रभु को ढूंढिए, प्रभु आपको मिल जाएंगे, और प्रभु आपको मिल गए तो सब कुछ मिल गए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं।
पवित्र वचन में दी गई सारी प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। उन प्रतिज्ञाओं को सुनने और उस पर विश्वास करने के लिए हमें कृपा दीजिए, उस पर भरोसा रखने के लिए और उन प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूर्ण होते हुए देखने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को इस समय विश्वास का वरदान दीजिए, संपूर्ण रूप से तुझे ढूंढने के लिए विश्वास का वरदान उन्हें दीजिए। यीशु, उनके जीवन में कार्य कीजिए, उनके भविष्य को तू पलट देगा, मैं विश्वास करता हूं यीशु। लेकिन संपूर्ण हृदय से तुझे ढूंढने के लिए कृपा दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए।